स्टीव रोजर यानी कि अपना कैप्टन अमेरिका ने कब अपनी वर्जिनिटी लूज किया? अब इस बात का जो ऑफिशियल आंसर है मार्वल स्टूडियो से मिल चुका है। हाँ, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है, मार्वल स्टूडियो ने ऑफिशियली इसे डिक्लेयर भी कर दिया है। शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे शी हल्क और अपना ब्रूस बैनर साथ में पी के फंड रहते हैं, तब वो इस बात की चर्चा निकालते हैं कि स्टीव रोजर वर्जिन है या नहीं। तब ब्रूस बैनर शी हल्क को ये कहता है स्टीव रोजर जो है वो वर्जिन नहीं है। जब वो यूएसओ टूर में गया था 1943 में, तब उसने अपनी वर्जिनिटी ऑफिशियली लूज कर दी थी। यानी कि 1943 में ही अपना स्टीव रोजर जो है वो पिघल गया था। ठीक है, आप लोगों का इस मामले में क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों का ओपिनियन। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब की फॉर्मेलिटी ऐसे ही पूरी करते रहो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। ना ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए।